और काफी अच्छे अच्छे टीम को पराजित करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं मिस्टी एफसी सरायकेला की टीम और अली एंड अली शावन ब्रदर्स की टीम भी आपसी भिड़ंत होता हुआ था ग्राउंड में। मिस्टी एफसी सरायकेला के सबसे स्टार स्ट्राइकर बाली पीयूष इनसे सावधान रहना होगा आली एंड आली साउंड ब्रदर्स टीम को। और इधर देखा जाए धर्म हिमरम इनसे भी सावधान रहना होगा मिस्टी एफसी सरायकेला टीम को। और गोपी सोए जैसे खिलाड़ी नरेंद्र बड़सोई जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। ये तीनों का तीसरी जब चली तो निश्चित तौर पर एक टीम के ऊपर कलबली मचा सकते हैं। और यहां तक बात करें मिस्टी एफसी सरायकेला की टीम बाली पीयूष बहुत ही धमाकेदार खिलाड़ी जो कि जर्सी नंबर 10 पर हम लोग देखेंगे। और जर्सी नंबर 12 पर अंकित जर्सी नंबर 4 पर है शंभु जर्सी नंबर 3 पर जून जर्सी नंबर 17 पर है सूरज। ये सभी खिलाड़ी मिस्टी एफसी सरायकेला के लिए काफी मजबूती प्रदान करते हैं। और यहाँ पर दो दिग्गज टीम के बीच में आपसी भिड़ंत होता हुआ और जो भी टीम इस मैच में जीतेंगे वो निश्चित रूप से प्राइज के हकदार हो जाएंगे। और दोनों टीम चाहेंगे किसी भी तरह से किसी भी मुसीबत से अपने टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाया जाए यही टीम कैप्टन का एक बड़ा चुनौती रहेगा इस मैच में। एक तरफ टीम कैप्टन अली एंड अली सावन ब्रदर्स के टीम कैप्टन और टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी गोविंद करंडिया के हाथों है। और इधर बाली पीयू के हाथों में मिस्टी एफसी सरायकेला की टीम। और यहाँ पर मिस्टी एफसी सरायकेला के जो मैनेजर यानी कि प्रेजेंटर महोदय आदि बाबू हैं पहली नजर रखे हुए अपने खिलाड़ियों के ऊपर। और बारिश के बाद निश्चित रूप से बिल्कुल मैदान साफ दिखता हुआ इस समय। और हल्की धूप खिली हुई है इस समय और सरायकेला क्षेत्र के दमदार फुटबॉल टीम अली एंड अली और तीरी माता के बीच। अच्छी तरह से यहाँ पर डिफेंसिव खेलता हुआ अंकित जर्सी नंबर 12 पर और जर्सी नंबर 3 पर हम लोग देख रहे हैं जून प्रमुख डिफेंडर मिस्टी एफसी सरायकेला के। Thank you.
और इस खेल के बाद जो खेल होगी पार्ट राउंड का दूसरा मैच प्रतिभा एफसी छोटा सिंह जी बनाम तेजा बटालियन के बीच जैसे कि मैं आप सबको बता रहा था ये मैच में जो टीम जीतेंगे निश्चित रूप से प्राइज के हकदार हो जाएंगे और आदिवासी झारखंड क्लब गोडावासा फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 का जो पहला दिन है प्राइज के हकदार बने टीम का पहला नाम आएगा कहना बड़ा मुश्किल है दौड़ी टीम विजय क्या सजीव टीम है एक तरफ है और गोपी सोई जो है स्किलफुल प्लेयर एगेंस्ट टीम के खिलाड़ी यो के ऊपर हावी होने के लिए जाने जाते हैं उनका तट सुंदर अंदाज में रहता है और एक्टिविटी की जहां तक बात करें एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है मनीष हेब्रम ने अच्छा लॉन्ग रेंज एफर्ट के द्वारा पास जरूर डाले थे धर्म हेब्रम के लिए और यहां पर गोलकीपर मिस्टी एफसी के अच्छी तरीके से कोई परेशानी नहीं और गेंदा करने के बाद में यहां पर ग्रीप करने के बाद में वन टच वन पास खेलता हुआ और वहां पर अच्छी ब्लॉक देखने को मिलता हुआ एफसी सरायकेला के टीम से और यहां पर सचिन सिंह को ने बेहतरीन पास किए हैं काफी दूर से ही आक्रमण काफी लंबा की गोलकीपर के द्वारा एफसी सरायकेला के और बेहतरीन पास यहां पर जर्सी नंबर 7 पर खेलता हुआ एफसी सरायकेला का अच्छा चेस डाउन दीपक के द्वारा और इस खेल के बाद पार्ट राउंड का दूसरा प्रतिभा एफसी छोटा सिंह जी बनाम तेजा बटालियन के बीच होगा आज आदिवासी झारखंड क्लब गोडावासा फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला दिन 2024 का और आज तो आगाज हुआ है लेकिन 24 तारीख को जाके इस प्रतियोगिता का फाइनल होगा टोटल 64 टीम का मामला का इजाफा होगा सदर प्रखंड के अंतर्गत जो आती है आदिवासी झारखंड क्लब गोडावासा गांव सबसे पहला टूर्नामेंट सदर प्रखंड का यहीं पर होता है इसके बाद अगल बगल बोला जाए तो यह जैसे ही खत्म होगा समाप्त होगा 29 तारीख से इसी महीना डीपीएमसी उलियातु के ग्राउंड पर फुटबॉल खेल का नजारा दूर दराज से आए हुए सभी खिलाड़ी और नजदीक से जाने वाले सभी खिलाड़ी पेश करेंगे अपना अपना मिसाल पेश करेंगे फुटबॉल के दुनिया में एक से बढ़कर एक चर्चित फुटबॉलर इस साल उलियातु के ऐतिहासिक मैदान पर खेलने आ रहे हैं और यहाँ पर भी कोई कमी नहीं दिख रही है धुरंधर फुटबॉल क्लब और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जो कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर वहां पर आयोजन होता है और वहां पर भी अच्छा टूर्नामेंट
और जहां तक बात करें ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से मशहूर है एनवाईएस नागासा के ऐतिहासिक मैदान। मैच का मध्यांतर हो चुका है, अब तक मैच की स्थिति 0-0 की स्थिति पर खेल चल रही है और अभी अभी आए हुए तमाम दर्शक भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये दोनों टीम जो मैदान के बीच खेल रही है स्काई ब्लू जर्सी पर जो है ये है अली एंड अली। कमेटर बाबू तक एक चक्कर मैदान को टूट टूट कर लिया मर इस पूरे दर्शक को लाखिर कोर को पिघल कर नाम का सिक्का ताई दिया ना यहाँ मतलब एक चक्कर मर गुरु भाई के पे गुरु प्रभु से रोका हेल का सभी उड़न पे एक गुरु मड़ो अगर आप उनको सफान को ना बोए जो का दो कदम दौड़ बुद्ध भी रिकॉर्ड की जहां तक बात करें काफी मजबूती टीम को पराजित कर देखना होगा यहां पर सराइकला की कर्जी लगे और दूर से किक करना चाहा और गोल पोस्ट ऊपर जाता हुआ कोई खतरा नहीं होगा। तेजा बटालियन वर्सेस प्रतिमा एफसी छोटा सिद्धि आप दोनों तैयार होके मेडिकल जोन पर चले आएंगे। सुनने सुनने पर खेल चलता हुआ आली है नाली सवान वर्दस वर्सेस मिस्टी एफसी सरायकेला काफी रफ्तार का खेल चलता हुआ और दोनों ही टीम हारना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि जो टीम इस मैच में विजय हासिल करेगा निश्चित रूप से पराजित के हकदार होंगे इसलिए दोनों ही टीम हारना पसंद नहीं करेंगे। और कल दिनांक 22 जुलाई ग्रुप बी का खेल हम लोग देखेंगे और खिलाड़ी बंधु को जानकारी के लिए बता दूं आदिवासी दर्शन क्लब गुना भाषा में
ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज वो साइकिल के रूप में दिया जाएंगे, इसीलिए खिलाड़ी बांधो और बेस्ट डिफेंडर और बेस्ट गोलकीपर पांका दिया जाएगा। इसीलिए सभी खिलाड़ी बांधो साफ सुथरे खेल का प्रदर्शन करेंगे। और आदिवासी जनता क्लब गुनावासा की चैंपियन टीम जो बनेंगे नगद 70,000 रुपये दिया जाएगा और उप विजेता टीम को 50,000 रुपया और तीसरा और चौथा 25,000 रुपये दिया जाएगा और पांचवा से आठवां तक 11,000 रुपये दिया जाएगा। इस प्रकार आदिवासी जनता क्लब गुनावासा का पुरस्कार